इंडियन रेलवे ने जनरल डिब्बे या बिना आरक्षण वाले डिब्बे के टिकट बुकिंग को लेकर बड़ी राहत दी है। दरअसल अब जनरल टिकट की बुकिंग रेलवे के यूटीएस ऐप पर भी कटा सकेंगे। यात्री इस ऐप से पहले 5 किलोमीटर की दूरी तक की टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब इसके दायरे को बढ़ाकर 20 किलोमीटर कर दिया गया है। यानी 20 किलोमीटर तक का सफर तय करने के लिए आप काउंटर के बजाय ऐप से बुकिंग कर सकते हैं। इस नई सुविधा का लाभ ऐसे लोग उठा सकेंगे जो बिना आरक्षण वाली टिकट पर यात्रा करते हैं। कम दूरी की यात्रा करने वाले भी इस ऐप सर्विस का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ऐसे लोगों को रेलवे के भीड़भाड़ वाले काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे मोबाइल पर ही जनरल टिकट ली जा सकेगी। इससे रेलवे को भी फायदा होगा क्योंकि काउंटर पर भीड़ प्रबंधन एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। बता दें कि यूटीएस मोबाइल ऐप ग्राहकों को टिकट बुकिंग के अलावा कई और सर्विस देता है। इसकी मदद से यात्री मंथली पास के साथ प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन करना भी आसान है क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई की मदद से टिकट बुकिंग का पेमेंट किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले मोबाइल पर यूटीएस ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर बुकिंग टिकट मेन्यू में जाकर नॉर्मल बुकिंग को सेलेक्ट करना होगा। आपको पेपर या पेपरलेस टिकट चाहिए इसके लिए भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से पेमेंट करने के बाद टिकट ऐप पर दिख जाएगी। यूटीएस अनारक्षित ट्रेन टिकट बुक करने के लिए भारतीय रेलवे का आधिकारिक एंड्रॉइड मोबाइल टिकटिंग ऐप है। ये सेवा 17 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। टिकट बुकिंग में समय की बर्बादी रोकने के लिए रेलवे ने इस ऐप को शुरू किया है। इस ऐप में यात्री को स्टेशन से लेकर तारीख और नाम की पूरी जानकारी भरनी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।